السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. गुज़श्ता दर्स में अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त का तज़किरा आपके सामने हुआ था और वो सिफ़त थी अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमान दुनिया पर हर रात के आखिरी दिन कैफियत हमें नहीं मालूम। अल्लाह के शायन शान है उसका नज़ूल, लेकिन अल्लाह के नज़ूल की कैफियत क्या है ये सारी बातें तफसील से गुज़श्ता दर्स में बयान की गई थी। और इसे नज़ूल के ताल्लुक से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी सिफ़ात हैं उन तमाम सिफ़ात के बारे में हमारा यही कैफियत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इसलिए कैफियत का हमें इल्म नहीं है, लेकिन सिफ़ात जो कि कुरान और हदीस के अंदर वारिद हुई हैं लिहाजा उन सिफ़ात पर हमारा और आपका सबका ईमान होना चाहिए। आज के दर्स में मज़ीद एक सिफत हम जानेंगे और वो सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि अल्लाह ताला का खुश होना अल्फ़रह, खुश होने वाले की सिफत। अल्लाह ताला बंदों की तौबा से खुश होता है, नेक लोगों से अल्लाह ताला खुश होता है, नेक आमाल से अल्लाह ताला खुश होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है उसके लिए फ़राह की सिफत साबित है, लेकिन कैफियत कैसी है ये हम और आप नहीं जानते। जिस तरीके से अल्लाह जैसी कोई ज़ात नहीं है वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सिफात में एकता है। तो ये सिफत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि अल्लाह ताला खुश होता है। खुश होने को अरबी ज़ुबान में फ़रह कहा जाता है। और खुश होने की कैफियत क्या है इसके ताल्लुक से इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्फ़रहु लज़्ज़तुन तक़ऊ फ़िल क़ल्ब, कि फ़रह यानि खुशी एक लज्जत का नाम है जो इंसान दिल में महसूस करता है या दिल में वाक़ होती है। बेइदराकिल महबूब, कोई महबूब चीज़ है, पसंदीदा चीज़ आपकी है, जब वो पसंदीदा चीज़ इंसान को मिल जाती है तो इंसान को दिल में एक लज्जत मिलती है, खुशी का एहसास होता है। वह नैनिल मुश्तहा, और इंसान की जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना और आरज़ू है, जब वो इंसान उसे पा लेता है तो दिल के अंदर खुशी होती है। फ़ैतवल्लदु मिन इदराक ही हाला, तो इन चीज़ों के पा लेने से इसका इंसान के दिल के अंदर एक ऐसी हालत पैदा होती है जिसको फ़रह कहते हैं और सुरूर कहते हैं। आपकी कोई तमन्ना है, कोई खुशी है, आपको चीज़ मिल जाती है, आरज़ू है, आप उस चीज़ से को पसंद करते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है तो इंसान खुश होता है, दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है, इंसान को लज्जत मिलती है। जैसे कोई भी चीज़ की मिसाल ले लीजिए, आप कोई बेहतरीन गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, आपको बेहतरीन गाड़ी जब मिल जाती है तो दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है खुशी का, खुशी की, उसी का नाम फ़रह और खुशी होती है। आपने बेहतरीन घर बनाया अपने लिए, जब वो घर आपको मिल जाता है, घर में दाखिल होते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो जो इंसान के दिल के अंदर कैफियत पैदा होती है, एहसास होता है, उसी को अरबी ज़ुबान के अंदर फ़रह कहते हैं, सुरूर कहा जाता है, हमारी उर्दू ज़ुबान में उसको खुशी कहा जाता है। और फिर आगे फरमाते हैं इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कि वल फ़रह सिफ़तो कमाल, ये जो फ़रह है ये कमाल की सिफत है, यानी खुश होना ये सिफत कमाल है कि इंसान उस चीज़ से खुश होता है। तो ये सिफत कमाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हर कमाल की सिफत है। अब एक बंदा ऐसा हो जो नाखुश होता हो, हमेशा नाराज़ रहता हो, तो ये हमेशा गुस्से में रहता हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान खुश भी होता है, नाराज़ भी रहता है, गुस्सा भी होना चाहिए इंसान को के अंदर, ख़ास तौर से जब इस्लामी शायर का मजाक हो, दीन परवन ना हो, बच्चे दीन परवन ना कर रहे हों, बीवी बेपर्दा हो, बच्चियाँ बेपर्दा हों, बच्चे नमाज ना पढ़ रहे हों, तो इस तरीके से जब इस्लाम पर अमल ना हो तो और या इस्लाम के ख़िलाफ़ इंसान अमल कर रहा हो जो उसके मातहत के लोग हैं, तो इंसान को नाराज़ हो जाना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो जाते थे, अम्बिया किराम गुस्सा हो जाते थे। तो जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, उनकी सिफात में से एक सिफत गुस्सा होने की भी है। लेकिन किन चीज़ों पर गुस्सा? दीन का मजाक हो, दीन पर अमल ना हो, दीन का इस्तेहज़ा हो, दीन के खिलाफ अमल हो, उस पर इंसान को गुस्सा होना चाहिए। लेकिन हमारा मामला इसके बराक्स है, दीन पर हम गुस्सा नहीं होते हैं, दुनियावी चीज़ों पर हम गुस्सा होते हैं। लेकिन नहीं, बच्चे ने कपड़े में पेशाब कर दिया, बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, या इस तरीके से और यानी दुनिया की कोई चीज़ उसे नुकसान पहुंचा दी, उस पर इंसान गुस्सा हो जाता है। लेकिन एक बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, उस पर हम गुस्सा नहीं करते हैं। या एक बच्चा या एक बच्ची हमारी है, पर्दा नहीं करती, मिसाल के तौर पर नमाज नहीं पढ़ती, उस पर हम गुस्सा नहीं करते। बीवी पर्दा नहीं करती, बीवी उस पर हम गुस्सा नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला, जो भी मिलता आपको खा लेते थे और कभी ऐब नहीं निकालते थे खाने के अंदर। हम तो क्या करें, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, शोरबा ज़्यादा हो गया, जायका अच्छा नहीं है, क्या करते हैं, इंसान फौरन गुस्सा हो जाता है और इस तरीके से ताने देना शुरू कर देता है, नाराज़ हो जाता है। बच्चों ने कुछ कर दिया, इम्तिहान में नंबर कम लेकर के आए, नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन ये बच्चा नमाज के लिए नहीं उठता है या नमाज नहीं पढ़ता है, उस पर इंसान गुस्सा नहीं होता है। लेकिन नहीं, एक दिन ड्यूटी नहीं किया, हम गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला जो ड्यूटी दी है नमाज पढ़ने की, बच्चा नहीं पढ़ता, उस पर नाराज़ नहीं होते। तो नाराज़ होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, ये अच्छी सिफत है। अम्बिया किराम गुस्सा हो जाते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क करना शुरू कर दिया, कुफ्र करना आ गया उनके अंदर, तो नाराज़ हो गया मूसा अलैहिस्सलाम, और हस्ते हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली, बाल पकड़ लिया, नाराज़ हो गए वो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते थे। एक मरतबा लोग तकदीर का जिक्र कर रहे थे, उसी के बारे में गुफ्तगू में होते, हमारे नबी का उधर से गुजर हुआ, आप नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, ऐसी चीज़ों के बारे में तुम गुफ्तगू क्यों करते हो? बेटी फातिमा भी चोरी कर ले तो मैं भी उसके हाथ काट लूँगा, दरेम नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला की हद में सिफारिश करना, इससे इंसान को गुस्सा आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह की शरीयत है, दीन का मामला है। तो अगर इंसान नाराज़ ही नहीं होता कभी, वो भी गलत है, और यह हमेशा नाराज़ रहता है, कभी खुशी नहीं होता उसको, किसी चीज़ का एहसास ही गोया कि मर गया है, ये भी चीज़ गलत। इसलिए खुश होना इस सिफ़त कमाल है, ये अच्छी सिफत है कि इंसान को खुश भी होना चाहिए। और यानी आपको कोई कामयाबी मिलती है, बच्चों को कामयाबी मिलती है, या आपकी जो देरीना आरजू है खुशी इस्लाम के दायरे में वो पूरी होती है, तो इंसान को उस पर खुश होना चाहिए। तो ये सिफत कमाल है, कमाल की सिफत है। बच्चे ने पुराना हिफ्ज़ कर लिया, बच्चा आलमी दीन हो गया, माशाल्लाह, इंसान को खुश होना चाहिए। या इस तरीके से जब बच्चा डॉक्टर बन गया, या किसी अच्छे जॉब पर लग गया, या इस तरीके से आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई जो शरीयत के दायरे में है, तो इंसान को खुश होना चाहिए। तो खुश होना ये सिफत कमाल है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हर कमाल की सिफत है। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो कैफियत है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन है कैफियत, लेकिन कैफियत का इल्म किसी के पास नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो फरमाते हैं वल्फरह सिफत कमाल, फरह यानी खुश होना सिफत कमाल है। वलिहाज़ा यूसुफ सुबहानहु बिआला अनवाही व अकमलहा, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जो फरह खुश होने की जो सिफत है उसकी जो आला सूरत है या कमाल दर्जे की जो सिफत है सूरत है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो सिफत बयान की जाएगी। कफर ए सुबहानहु बितौबत अब्दिही, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। और वह हदीस अभी हम आपके सामने पढ़ेंगे जो हम मुसनिफ ने पेश किए। उसके बाद मुसनिफ हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वल्फरह बिश्शय फ़ौक़ अर्रिज़ा बिही, किसी चीज़ से खुश होना उससे राज़ी होने से ऊपर की चीज़ है। रजामंदी से के बाद का मरहला खुश होना, एक इंसान किसी से राज़ी है लेकिन खुश नहीं होता उससे, तो जो खुश होता है ये रजा के बाद का मरहला है। फ़इन्न रज़ा तमानीना, क्योंकि रजा जो है ये इत्मीनान का नाम है, वो सुकून और मुनशरा और सुकून का नाम है, और खुशी और शरह सदर का नाम है। इंसान को शरह हो जाता है, मान लीजिए दिल के अंदर, और सुकून मिलता है इंसान को, इत्मीनान मिलता है, उसका नाम रजा है। वल फरह लज्जतुन व बहजतुन व सुरूर,
लेकिन जो फर्क है ये लज्जत का नाम है, खुशी का नाम है कि इंसान के अंदर ऐसी कैफियत पैदा होती है कि इंसान को सुरूर मिलता है उससे। तो ये जो सुरूर और खुशी वाली चीज़ है ये रजा के बाद की चीज़ है, रजा के बाद, रजामंदी के बाद की चीज़ है, क्योंकि रजामंदी इत्मीनान और सुकून का नाम है। और खुशी का नाम है, खुशी नाम है लज्जत का, सुरूर का नाम है, जो इंसान को मिल जाने से उसके दिल के अंदर जो एहसास पैदा होता है, जो कैफियत पैदा होती है, उसका नाम सुरूर और खुशी है। फिर आगे फरमाते फकुल्लु फरहिन राहिल, हर जो है खुश होने वाला इंसान क्या होगा, राजा राजी होगा। वलैसा कुल्लु राजिन फरहन, और हर राजी होने वाला खुश होने वाला नहीं होगा, क्योंकि खुशी ये रजामंदी के बाद है। जब इंसान खुश हो गया मतलब ये कि उससे राजी है। अल्लाह ताला जब बंदे की तौबा से खुश होता है इसका मतलब है कि अल्लाह तौबे से राजी है, अल्लाह बंदे से राजी है, तभी अल्लाह ताला खुश हुआ। तो खुश होना या रजामंदी के बाद का मरहला है, लिहाजा जो खुश होगा वो गोया कि उससे राजी है, और जो किसी से राजी है कोई ज़रूरी नहीं उससे खुश हो, क्योंकि इंसान कभी कभी थोड़ी चीज़ पर भी राजी हो जाता है लेकिन उसको खुशी नहीं मिलती उससे, क्योंकि उसकी आरज़ू और ज़्यादा है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान इम्तिहान में कामयाब होता है, पास हो गया, चलो राजी है, चलो पास हो गया, लेकिन अगर मुमताज नंबर लेकर के आता है तो और ज़्यादा खुश होता है। तो छोटे नंबर पर भी इंसान राजी हो गया कि चलो भाई पास हो गए, मरहला हमने तय कर लिया, अब आगे क्लास में चले जाएंगे, उससे इंसान राजी है कि चलो चलेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वही इंसान का नंबर तालिब इल्म का हाई फाई नंबर लेकर के आता है तो और इंसान खुश होता है, ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा नंबर मिला। तो खुशी का जो मरहला है ये रजामंदी के बाद का है, लिहाजा जो खुश होगा वो राजी भी होगा, लेकिन जो राजी है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हो। बात सुनाई कि सुनाई? तो कौन फरमाते हैं? इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो अल्लाह ताला खुश होता है लेकिन कैफियत क्या हमें नहीं मालूम। यहाँ मुसन्निफ़ ने इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी मुस्लिम की हदीस को मुख्तसर अंदाज में पेश किया है, और वो ये है कि लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही अल्मुमिन अत्ताइब मिन अहदिकुम बिराहिलतिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदे की, अपने उस मोमिन बंदे की तौबा से जिसकी सवारी गुम हो जाए और फिर सवारी उसे मिल जाए, और जब वो जितना खुश होता है अल्लाह ताला बंदे की तौबा से उससे कहीं ज़्यादा खुश होता है। ये मुख्तसर तौर पर मुसन्निफ़ ने पेश किया है, और ये हदीस थोड़ी इससे लंबी है, और वो हदीस इस तरीके से बुखारी मुस्लिम के अंदर कि लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हीना यतूबु इलैह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की तौबे से भी ज़्यादा, उस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता उसकी तौबा से जब वो बंदा या इंसान कान अला राहिलत ही, जब वो इंसान या अल्लाह का बंदा किसी सवारी के ऊपर होता है, बेअर्द फलातिन किसी चटियल मैदान में सहरा में सवारी है उसके साथ, फन फरतत मिन्हु फिर वो सवारी उससे गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, वो अलैहा तआमुहु व शराबुहु, और उस सवारी पर उस ऊँटनी पर उसका खाना पीना सब कुछ रखा हुआ है, पूरा सामान सफ़र उसी सवारी के ऊपर है, और सवारी गुम हो गई, जब गुम हो गई तो सवारी पर रखा हुआ सारा सामान भी गुम हो गया, और इंसान रहे जाहिर बात उसको तकलीफ़ होती है, फ़मिनहा फिर वो क्या करता, उसे मायूस हो जाता है, ढूंढता सवारी को लेकिन सवारी नहीं मिलती है, मायूस होकर क्या करता है, फ़अता शजरतन एक दरख्त के पास आता है, फ़स्तजअअ फ़ी ज़िल्लिहा उस दरख्त के साए में सो जाता है, क़द यैसा मिन राहिलतिही अपनी उस सवारी से मायूस हो चुका है और उसे गालिब गुमान हो गया कि अब उसको सवारी नहीं मिलेगी, फ़बैनमा हुआ कदालिक वो इसी हालत में रहता है दरख्त के नीचे परेशान हाल, इद हुआ बिहा क़ायमतन इंदहु कि अचानक उसके पास सवारी आ जाती है या सवारी उसको खड़ी हुई मिलती है, फ़अख़ज़ा बिहतामिहा अब सवार क्या करता है उसकी नकील को थाम करके, थुम्मा क़ाला मिन शिद्दतिल फ़रह अब शिद्दत फ़रह में क्या कहता है कि अल्लाहुम्मा अंत अब्दी बड़ी खुशी हुई उसको कि मेरी सवारी मिल गई, काफ़ी ढूंढा परेशान हुआ, सहरा में है, मैदान में है, चटियल मैदान में,
वहाँ ना पानी है ना लोग हैं, और वो इंसान की ज़िंदगी का मामला है कि अगर वो सामान नहीं मिलेगा तो इंसान की ज़िंदगी में खतरे में पड़ सकती है। बहुत खुश हुआ बंदा है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई उसको कि अब उसकी ज़ुबान लुढ़क गई। क्या कह दिया? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह ताला तू मेरा गुलाम है, तू मेरा बंदा, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूँ। फअख्ता मिन शिद्दतिल फरह, शिद्दत फरह ज़्यादा खुशी होने की वजह से इंसान क्या हुआ, उसकी ज़ुबान फिसल गई, उसने ग़लती की और ये कह बैठा। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो ज़बान भी फिसल जाती है, और कभी कभी इंसान की आँख से आंसू भी आ जाते हैं, खुशी के आंसू जिसे कहा जाता है। कि अचानक अगर किसी से मुलाकात हो कई सालों के बाद, बेटे से, बेटी से, बीवी से, तो इंसान उसकी ज़बान आँख से आंसू जो है रवाना हो जाते हैं। तो ये खुशी के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। जी हाँ, जैसे हंसते आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब बरात नाजिल हुई अर्श से, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बरात नाजिल की कि पाक दामनी के अल्लाह ते आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक दामन हैं, तो खुशी के मारे उनकी आँख से आंसू जारी हो गए। तो ये खुशी के आंसू थे हंसते आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आँख में। वो कहती थी कि मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी पाक दामनी के लिए आसमान से आयतें नाजिल करेगा। मैं ये समझती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देंगे और इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर हमारी पाक दामनी के ताल्लुक से आयतें नाजिल फरमाई। इतनी खुशी हुई कि उनकी आँख से आंसू आ गए। तो खुशी के आंसू भी होते हैं। ऐसे इंसान कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो खुशी में जो है उसकी ज़बान फिसल जाती है, कहना कुछ चाहता है, कुछ निकल जाता है ज़बान से, ऐसा हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए, ये कुफ्र है ये, अगर कोई आदमी जानबूझ करके कहे कि अल्लाह ताला तू मेरा गुलाम है, तेरा रब, तो इंसान काफिर हो गया है, ये बड़ा कुफ्र है ये। लेकिन खुशी की वजह से गलती होगी और गलती को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर दिया, भूल चूक माफ़ हो गई। इंसान अगर ज़बान फिसल जाए और उसकी ज़बान से कलमे कुफ्र अदा हो जाए तो ये मवाने कुफ्र में से है। यानी किसी आदमी के ऊपर इंसान अगर कोई हुक्म लगाता है कुफ्र का या किसी भी चीज़ का, और गलती से अगर इंसान ये चीज़ कह बैठे तो ये एक रुकावट आ जाती है, लिहाजा उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। यानी किसी इंसान ने ऐसी बात कह दी, अब हम उसके पास गए कि भैया आपने ऐसी बात कही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नऊज़ बिल्लाह मेरा ग़ुलाम है और तुम उसका रब हो, क्या तुमने बात कही है? वो कहता है मेरी ज़बान फिसल गई थी, गलती से मेरी ज़बान से निकल गया था, तो ये रुकावट आ गई, अब उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा कि वो काफिर हो गया, नहीं कहा जाएगा। तो कुफ्र की बहुत सारी रुकावटें होती हैं, जब वो सारी रुकावटें दूर होंगी और उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं। आम लोगों का काम नहीं, उलमा का काम है ये। कौन से उलमा? बड़े बड़े जो उलमा हैं, रासिखीन फिल इल्म हैं, उनका काम है ये। तो उसकी शर्तें होती हैं, उसकी रुकावटें होती हैं, मवाने होती हैं। अब मान लीजिए अगर कोई जाहिल है, कह भाई मुझे नहीं मालूम था, मैंने कह दिया, तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। नया नया मुसलमान हुआ है, उसको नहीं मालूम, उसने कह दिया अपने ज़बान से, तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा कि भाई वो काफिर हो गया। तो कभी कभी इंसान गलती से कह देता है तो गलती एक माने है, एक रुकावट है, उस गलती की बुनियाद पर किसी पर हुक्म नहीं लगेगा। अगर शर्तें पाई गई पूरी, ठीक है, किसी के ऊपर हुक्म लगाने से अब देखा जाएगा रुकावटें हैं। अगर कोई रुकावट आ जाए तो शर्तें गर्चे पाई गई हैं लेकिन रुकावट आ जाने की वजह से उस पर हुक्म नहीं लगेगा। जाहिल बेचारा, उसको नहीं मालूम है, ऐसे मुआशरे में रहता जहाँ सारे के सारे काफिर लोग हैं, या इस तरीके से शहर से दूर है, उलमा से दूर है, और कोई ऐसी बात उसने कह दिया, अब जा करके मालूम पड़ा कि भाई उसने जानबूझ करके भी कहा, पागल भी नहीं है, मजनून भी नहीं है, लेकिन वो जाहिल इंसान, उसको नहीं कुछ मालूम बेचारे, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर हुक्म नहीं लगेगा, कोई इंसान काफिर होगा जैसे इसने गलती कर दी। तो गलती से अगर कोई चीज़ हो जाए तो उस पर इस्लाम का हुक्म नहीं लगता है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्तना, ऐ हमारा रब, अगर हम भूल जाए, हमने गलती की, तो हमारा मुआखज़ा ना करना। अल्लाह के रसूल के हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत से इसको माफ़ कर दिया, किसको? अल खता व निसियान, भूल चूक को और खता गलती को। वह मस्तुकरिहु अलैहि, और जो ज़बरदस्ती उनसे करवाया जाए, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। एक आदमी ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि भाई आप कहिए कुफ्र का कलमा, आप कहो कि अल्लाह तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा रब हूँ,
नहीं कहोगे हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ऐसी सूरत में अगर वो कहता अपनी जान बचाने के लिए, तो उस पर कुफर का फतवा नहीं लगेगा। दिल में अगर उसको इत्मीनान नहीं है तो नहीं लगेगा। हज़रत यासीर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कहा था ना, जब मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती की तो उन्होंने ज़बान से कह दिया, दौड़ते हुए मारबी के पास आए कि हमने ज़बान से कह दिया लेकिन मेरे दिल में बुतों की नफ़रत है, गैरुल्लाह की नफ़रत है, लेकिन मैंने सिर्फ़ उनके दबाव और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर अपनी जान बचाने के लिए मैंने कलमे कुफ्र ज़बान से कह दिया है। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमईनुन बिल ईमान, जिस आदमी को मजबूर कर दिया जाए हालांकि उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, वो कुफ काफिर नहीं होगा, उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही ये रुकावट है ये। तो इंसान अगर कोई जानबूझ करके कह देता है लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ की जा रही है, तो ज़बरदस्ती की वजह से वो इंसान काफिर नहीं होगा। ये सब मसाइल हैं, ये सारे अहकाम हैं। इतना आसान नहीं है किसी को काफिर कहना। और ये ख्वारिज की पहचान है हर एक पर कुफर का फतवा लगाना। जो सलफ़ सालहीन के मनहज पर हैं, जो अहले हदीस हैं, सलफ़ी हजरात हैं, कुरान और सुन्नत को सलफ़ सालहीन के अकीदे और फहम के मुताबिक समझते हैं, वो किसी पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। जी हाँ, इसलिए इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर कौल है, वो कहा करते थे कि यह अकीदा जो इन लोगों का है, दूसरे लोगों का, अगर वो अकीदा हमारा हो जाए तो मैं काफिर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे सामने सारी बातें वाज़ह हैं, लेकिन इन लोगों पर मैं कुफर का फतवा नहीं लगाऊंगा, ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये तकफीर का मामला इतना आसान नहीं है। और ये भी नहीं कि अगर किसी ने आपको काफिर कहा तो आप उसको काफिर कहो, नहीं। किसी ने, और उसकी मिसाल दी उन्होंने, कहा ये भी मामला हमारा नहीं है कि अगर कोई हमें काफिर कहे तो हम उसको भी काफिर कह दें। वो जो काफिर कह रहा है उसका अंजाम अल्लाह के हवाले है, अल्लाह ताला उसे निपटेगा, अल्लाह ताला उसे उस मामले को देखेगा। लेकिन मुझे काफिर कह रहा है तो उसको काफिर नहीं कहूँगा। जैसे कोई मान लीजिए किसी के साथ जिना करे तो जा कर के उसके उसी के ख़ानदान की बेटी से या उसी के साथ जा कर के जिना करे, नहीं, इस्लाम नहीं कहता कि अगर कोई आपके घर में चोरी करे तो आप जाकर उसके घर में चोरी कर लो। कोई हमें काफिर कहे तो हम उसको काफिर कह दें, नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम लोगों को इस्लाम से निकालने के लिए नहीं आया है। इस्लाम ये है कि लोग इस्लाम के अंदर रहें, जो यकीन के साथ इस्लाम में दाखिल होता है उसको इस्लाम से खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि तमाम शर्तें ना हो जाएं और तमाम रुकावटें दूर ना हो जाएं। तो ये हदीस बड़ी दलील है इस मसले की, किसी को काफिर बनाने के ताल्लुक से, कि नहीं, किसी को काफिर नहीं कहा जाएगा। हाँ, किसको उमूमी तौर पर इंसान कह सकता है, मुतअय्यन किसी को काफिर कहना अलग है ये, और उमूमी तौर पर कहना कि जो ये काम करे वो काफिर, ये कहा जा सकता है। जो बुतों की पूजा करे वो काफिर है, जो गैरुल्लाह को पुकारे वो काफिर है, गैरुल्लाह का सजदा करे वो काफिर है, ये कुफ्र का काम ही कहा जा सकता है, क्योंकि हदीसों में बाकायदा कहा गया। लेकिन मुतअय्यन किसी शख्स पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए शर्तें पूरी होनी चाहिए और रुकावटें दूर होनी चाहिए कि फला बंदा काफिर नहीं कहा जाएगा। ये बात आप कह सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी शराब पीने वाले पर, शराब बनाने वाले पर, शराब ले जाने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब निचोड़ने वाले पर, इन तमाम लोगों पर लानत भेजी, लेकिन जो शराब पीकर आता था आप उस पर लानत नहीं भेजते थे, उस पर लानत नहीं भेजते थे। तो शराब पीना ये लानती अमल है, लेकिन शराब पीने वाला मलून है कि नहीं है ये दूसरा मामला है, ये देखा जाएगा उस बंदे के ताल्लुक से। हमारे नबी के पास एक आदमी लाया गया, आपने उस पर हद नाफिज की, फिर लाया गया, फिर हद नाफिज किया, तो किसी लानत भेजी, तुम्हारे नबी ने कहा नहीं, लानत मत भेजो उसके ऊपर, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल को मोहब्बत है। तो शराब पर आपने लानत भेजी, लेकिन शराब पीने वाले पर आपने ये नहीं कहा कि जो है मुतय्यन शख्स को आपने नहीं कहा कि मलून है, लेकिन उमूमी तौर पर आपने कहा शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत, लेकिन मुतय्यन शख्स पर जब मामला आया तो आपने उसे मना कर दिया। उमूमी तौर पर इंसान कह सकता है ये चीज़ कुफ्र का काम है, ये चीज़ इस पर लानत है, लेकिन मुतय्यन किसी शख्स पर हुक्म लगाने के लिए शर्तें पूरी होनी चाहिए और जो रुकावटें हैं वो तमाम रुकावटें दूर होनी चाहिए। और ये बड़े उलमा का काम है, हमारे और आप जैसे लोगों का काम नहीं है ये किसी के ऊपर हुक्म लगाना, ठीक है, बड़े उलमा का काम है ये। तो इस तरीके से मामला समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, बात वाज़ह हुई, क्योंकि आज एक लोग हैं ऐसे जो जिनके यहाँ जो है थोक के हिसाब से कुफ्र के फतवे जारी होते हैं। जी हाँ, तो
ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मनाजे सलफ सालेहीन के ख़िलाफ़ है ये, और ये आम लोगों का या छोटे मोटे उलमा का तालिबे इल्म का काम नहीं है। उसको चाहिए कि अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल करे और मुस्बत अंदाज में लोगों को दीन की बातें बताए, मनहज लोगों के सामने पेश करे और तालीम दे लोगों को। लेकिन इस तरह का हुक्म लगाना ये बड़े बड़े जो राशिखीन फिल इल्म है उनका काम ही है। इस हदीस को मुसनिफ ने यहाँ जो पेश किया किसके लिए, अल्लाह ताला की इस सिफत को साबित करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है और अल्लाह ताला की खुशी बंदे से की खुशी से भी ज़्यादा होती है, बंदे की खुशी से भी ज़्यादा। जैसे आपने क्या फरमाया कि लल्लाह अशद्दु फरहन बितौबते अब्दिही हीना यतूबु इलैही मिन अहदिकुम, जब तुम में से कोई अल्लाह ताला की तरफ आता है तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा से बहुत ज़्यादा खुश होता है, उस शख्स से भी ज़्यादा जिसकी सवारी गुम हो जाए और फिर उसको सवारी मिल जाए और ख़ुशी में उसकी ज़बान फिसल जाए, यहाँ तक कह बैठे हो कि अल्लाह ताला तू मेरा गुलाम है बंदा हमें तैयार हूँ, उससे भी अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है उस बंदे की तौबा से जो अल्लाह ताला के दरबार में आता है और तौबा करता है। लेकिन कैफियत कैसी हमें नहीं मालूम, कैफियत अल्लाह के हवाले, लेकिन है कैफियत। जैसा कहते इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा और ये उनके उस्ताद रबिया रहमतुल्लाह अलैह से भी जो है रिवायत किया जाता है और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो सहाबिया उनसे भी रिवायत किया जाता है। क्या कि जब इस्तवा के बारे में पूछा था ना उन्होंने कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी कैसे मुस्तवी है, तो हज़रत इमाम मालिक ने क्या फरमाया, अल इस्तवा मालूमुन, ये कायदा बाकायदा इसको हमेशा याद रखना चाहिए पूरा जुमला इमाम मालिक का या उनके उस्ताद रबिया का, या इस तरीके से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल इस्तवा मालूमुन, इस्तवा मालूम है। इस्तवा किसे कहते हैं, वल कैफ मजहूल, कैफियत मजहूल है, मालूम नहीं है। ये नहीं कहा कैफियत नहीं है, कहा कैफियत है लेकिन कैफियत मजहूल है। अल्लाह के हंसने की है कैफियत लेकिन हमें कैफियत नहीं मालूम, अल्लाह के नुज़ूल की कैफियत है लेकिन कैफियत कैसी हमको नहीं मालूम है। बात आ रही समय ना, कैफियत हमको नहीं मालूम लेकिन है कैफियत, कैफियत मजहूल हमको नहीं मालूम। वल ईमान भी वाजिब, इस सिफत पर ईमान लाना वाजिब है। वह सवाल अनहो बिदआ, और इसके बारे में सवाल करना बिदआत है कैफियत के बारे में, इसलिए कैफियत के बारे में सवाल नहीं करेंगे। कुरान सुना दिया गया, हदीस बता दी गई, आप ईमान ले आए कि हाँ अल्लाह ताला की सिफत है, कैफियत अल्लाह के हवाले, अल्लाह के शान शान। मखलूक के अंदर भी जो सिफात होती हैं फ़र्क होता है कि नहीं, फ़र्क होता है। आपके खुशी होने का अंदाज़ अलग है, हमारे खुश होने का अंदाज़ अलग है, आपके खुश होने का अंदाज़ अलग है कि नहीं। कोई इंसान हंसता है उसका भी अलग होता है, किसी के हंसने का अंदाज़ अलग है किसी का और दूसरे इंसान का अलग है ना, कि सब अल्लाह की मखलूक है। जब मखलूक के दरमियान ये सिफत मुश्तरक है और उनके दरमियान भी ये कैफियत में फ़र्क है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैफियत कैसी होगी हमको नहीं मालूम, इसलिए कैफियत बयान करना हराम नहीं है। अलबत्त है कैफियत लेकिन बयान करना हराम, को नहीं मालूम कैफियत, कोई बयान भी नहीं कर सकता। अगर बयान करता है तो वो सलफ सालेहीन के मनहज और अकीदे पर नहीं है, वो अहले बिदात में से है। क्योंकि जब सवाल करना बिदात है कैफियत के बारे में तो कैफियत बयान करना और बड़ा जुर्म हो जाएगा। बात सुना रही ना, हमार ने क्या फरमाया कि वो सवाल बिदा, कैफियत के बारे में पूछना बिदात है तो कैफियत बयान करना, जबकि कैफियत बयान ही नहीं कहेगी ना कुरान में ना हदीस के अंदर, तो बयान करना ये और बड़ा जुर्म हो जाएगा, ये और बड़ी बिदात हो जाएगी, और बड़ा हराम काम हो जाएगा। ये अहले बिदात की पहचान होगी अगर कोई कैफियत बयान करता है तो, इसलिए कैफियत हमने बयान कर दी, नहीं बयान किया गया लेकिन कैफियत है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए फरह की, खुश होने की सिफत है लेकिन अल्लाह के शान शान है और कैफियत अल्लाह ताला के हवाले। जब बंदों के दरमियान सिफात के अंदर इख्तलाफ है और तमाम इन सब की सिफत एक जैसी नहीं होती है कि नहीं है, खुश होने की सिफत, नाराज़ होने की सिफत, या इस तरीके से और वो सब देखने की सिफत, भाई मैं चश्मे से देखता हूँ आप लोग बगैर चश्मे के देख रहे हैं, फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है। मैं भी आप जैसे इंसान ही हूँ ना, हम भी अल्लाह के सब मखलूक हैं लेकिन फ़र्क है। आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। आपकी आँख तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है, फ़र्क है। तो जब इंसान के अंदर जब ये फ़र्क है मखलूक़ात के अंदर,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बयान करना कि अल्लाह ताला जैसे हम खुश होते हैं ना, उस बिल्ला अल्लाह ताला ऐसे खुश होता है। हरगिज़ हरगिज़ कहना जायज़ नहीं, आराम है कहना। कैफियत अल्लाह के हवाले, कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है। जब बंदों में इख्तलाफ फ़र्क है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और ज़्यादा, अल्लाह के लिए कैफियत नहीं बयान की जा सकती है। तो ये सिफत साबित हुई कि अल्लाह ताला खुश होता है। इस हदीस में तरबियत का एक बड़ा पहलू ये है कि बंदे को तौबा करना चाहिए, अल्लाह बंदे की तौबा से खुश होता है। अब अल्लाह खुश होता है तो हमें तौबा करना चाहिए। अल्लाह रहमान और रहीम है, हर इंसान से गुनाह होता है, हर इंसान से गलती होती है। गुनाह होना ये बड़ा जुर्म नहीं है, गुनाह पर इसरार करना बड़ा जुर्म है। इंसान फौरन तौबा करता है। अल्लाह तआला कुलिया बदलती कुलिया इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म कर रखा, इसराफ जुल्म कर रखा है, यानी गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। गुनाह करना अपने जिस्म पर, अपने नफ्स पर जुल्म करना, क्यों जुल्म करना है? क्योंकि हमारे गुनाहों की वजह से हमारे हाथ पाँव को सजा दी जाएगी, हमारे जिस्म को सजा दी जाएगी क़यामत के दिन। इसलिए जुल्म करना है अपने नफ्स के ऊपर, गुनाह करना, इसराफ करना, खुद ये जो है हराम ऐसा करना। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी आयत के अंदर फरमाया, जो आयत है कि वो लदीन फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये अहले ईमान की खूबी अल्लाह बयान करता है। जो मुत्तकी लोग हैं, अहले ईमान हैं, जन्नती हैं, उनकी खूबी कि जब वो गुनाह उनसे सरज़द हो जाता है और बेहयाई के काम वो कर बैठते हैं, औ ज़लमू अन्फुसहुम या उन्होंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया, क्या जुल्म किया? गुनाह करना, अपने ऊपर जुल्म करना है। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम ज़िक्रुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद करते हैं फिर अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करने वाला? ये अल्लाह ताला की सिफत है माफ़ करना, ये अल्लाह ताला के साथ खास है। वो गुनाह जो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने जो हराम कर दिया है, इंसान उसको करता है, वो अल्लाह की ज़ात से मुतालिक हैं, वो गुनाह अल्लाह ताला ही माफ़ करने वाला। जो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों से मुतालिक जो गुनाह हैं या गलतियां हैं, वो बंदा माफ़ करने का हक़ रखता है। क्या आपने किसी का पैसा ले लिया, नहीं दिया, अब जाकर के उससे माफ़ करवा लें, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, वो बंदे का हक़ बंदा माफ़ कर सकता है। लेकिन जैसे नमाज़ पढ़ना है, इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता, अब इंसान ने अपने ऊपर जुल्म किया, ये नमाज ना पढ़ना क्या है? ये बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह को अल्लाह ही माफ़ करेगा, बंदा नहीं माफ़ कर सकता। कि आप कहें भाई आपने नमाज नहीं पढ़ा, चलो हमने माफ़ कर दिया, नहीं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक गुनाह है ये। अल्लाह ने हराम कर दिया, नमाज छोड़ना हराम है, तो अल्लाह ही उसको माफ़ करेगा। आप रोज़ा नहीं रखते, बंदा नहीं माफ़ कर सकता इसको, अल्लाह ताला ही माफ़ करेगा। इंसान शिर्क करता, अल्लाह ताला ही माफ़ करेगा। हाँ, वो गुनाह जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं, वो बंदे माफ़ कर सकते हैं। आपने किसी का पैसा खा लिया, किसी की ज़मीन हड़प कर ली, या इस तरीके से आप उसे माफ़ी करवा लें, तलाफ़ी करवा लें बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के, वो उसके पास है। लेकिन ये जो मसाइल हैं, इबादात वगैरह हैं, ये अल्लाह ताला ही उन गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला बंदे के तौबा से खुश होता है, और अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, सिर्फ छोटे बड़े नहीं, बल्कि हर बड़ा गुनाह, शिर्क भी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। बस शर्त है कि इंसान तौबा करे। तौबा ज़ुबान से किया जाता है, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से कर देना काफ़ी नहीं होता है, ये अमल है। ये सुबह शाम के अस्कार नहीं है तौबा, कि अपने आपने सुबह शाम की दुआ पढ़ ली अदा हो गया, या कुरान की तलावत कर लिया आपने अदा हो गया, नहीं। इसको ज़ुबान से भी कहना है, साथ ही अमल का नाम है तौबा। ये सिर्फ ज़ुबान से कहना कि मैंने अल्लाह तुम मुझे माफ़ कर दे हो गया, नहीं, इसकी बाकायदा शुरूत हैं। जब वो शुरूत पाई जाएंगी तब इंसान की तौबा काबिल कबूल होती है, तब गोया कि उसने तौबा किया। जैसे नमाज की शर्त है कि आप वज़ू करना, मान लीजिए अगर बगैर वज़ू के आप नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज होगी नहीं होगी ना? क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना है, आपने क़िबले की तरफ रुख नहीं किया, किसी और की तरफ आपने रुक करके नमाज पढ़ लिया, आपकी नमाज नहीं होगी। इल्ला ये कि अगर आप सफ़र में हैं, वहाँ कोई बंदा नहीं है, आपने लाख कोशिश की क़िबला मालूम करने की, सितारों के ज़रिए से, हवाओं के ज़रिए से,
सिमत और कबला मालूम करने की काफ़ी आपने कोशिश की, खूब मेहनत की, लेकिन आपको पता नहीं चला और आपने नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह ताला से कबूल करेगा। लेकिन आप शहर में हैं और अपने अंदाजे से आपने नमाज़ पढ़ लिया, मुसाफिर ही सही, आप किसी शहर में गए और आपने अंदाज़ा किया कि भाई क़िबला इधर होना चाहिए, आपने पढ़ लिया, पता चला कि वो क़िबला उधर नहीं था, किसी और तरफ था, आपकी नमाज़ नहीं होगी, आपको नमाज़ दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ लोग मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बगैर क़िबले की नमाज़ नहीं होती है, तो ये शर्त है ये क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना, तो आपने पढ़ लिया, नमाज़ नहीं होगी, दोहराना पड़ेगा आपको नमाज़, तो शर्त पाई जाना ज़रूरी है। ऐसी तौबा की शुरूत हैं, वो शर्तें पाई जाएंगी तब तौबा होगा, ये नहीं फूट बैठ लिए दो बार, कान पकड़ लिया, तौबा तौबा हो गई, तौबा खलास, इसका नाम तौबा नहीं है। तौबा इबादत है, तौबा अमल का नाम है। तौबा की शर्तें हैं, पहली शर्त यह कि इंसान मुखलिस हो, अल्लाह के लिए तौबा कर रहा हो। दूसरी शर्त यह कि इंसान गुनाह को छोड़ दे, ये अमल है, छोड़ना पड़ेगा गुनाह को। तीसरी शर्त है कि इंसान को नदामत हो कि मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने ये गुनाह कर लिया, तो इंसान को उस पर अफसोस और नदामत हो। चौथी शर्त क्या है कि इंसान अज़्म करे को गुनाह नहीं करेगा, अज़्म हो, पुख्ता इरादा हो कि वो गुनाह नहीं करेगा। पांचवी शर्त यह कि वक्त उसका मुतय्यन है, वक्त में इंसान तौबा करेगा तब तौबा मानी जाएगी, वक्त निकल गया तौबा करेगा नहीं, गड़बड़ा जाकरी के वक्त से पहले इंसान को तौबा करना है। अल्लाह के रसूल कहते हैं इन्नल्लाह यतूबु अला अब्दिही हत्ता युग़र्रिद, ये इस तरह के अल्फाज हैं कि गड़गड़ा से पहले पहले इंसान को तौबा करना है। गड़गड़ा कहते हैं रूह निकलने के वक्त, जब इंसान की जो आँख टकटकी बन जाती, ऊपर देखता रहता है, सांस ऊपर नीचे आ रही है, इसको गड़गड़ा कहा जाता है, झांकने के वक्त, रूह निकलने और खींचने का वक्त, तो उस वक्त आने से पहले पहले इंसान को तौबा करना है। अगर उसके बाद तौबा करेगा तो यानी तो तौबा उसकी कबूल नहीं की जाएगी, इसीलिए फिरौन की तौबा नहीं कबूल की कि उसका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो ये झांकनी से पहले इंसान को तौबा करना, अल्लाह ने वहाँ तक मोहलत दी है, पूरी ज़िंदगी आपके लिए तौबा के लिए अल्लाह ने मोहलत दी, कितना रहमान और रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन, कितना मेहरबान और रहमदिल, कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक समझ लीजिए, रूह निकलने से पहले तक, झांकनी का की हालत पैदा होने से पहले तक अल्लाह ने आपको मोहलत दिया, कितना रहमान और कितना रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप कितना किसी को मोहलत दे सकते हैं, आपने अगर किसी को कर्ज़ा दिया है, साल दो साल तीन साल चार साल मोहलत देता है इंसान, उसके बाद मोहलत नहीं दे सकता, नहीं है मैं मोहलत नहीं दे सकता, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, हर हाल में मुझको पैसा चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी ज़िंदगी इंसान को मोहलत दे रखी है तौबा की, जब तक कि झांकने का वक्त ना हो जाए, रूह निकलने का वक्त ना आ जाए। अल्लाह कितना मेहरबान कितना रहमदिल है अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाला है। तो एक शर्त यह है कि जागने से पहले इंसान तौबा कर ले, और एक आम वक्त है क़यामत, यानी सूरज मगरिब से निकलने से पहले तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया है पूरी दुनिया वालों के लिए, अगर सूरज मगरिब से निकल जाएगा उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नाम के अंदर बात कैसी है, अल هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا। بسم الله فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بعض نشانی آ جائے گی تو اس سے پہلے اگر کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا یا خیر کا کام نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا। इस आयत की तफसीर में सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब ये है जो बाद निशानी आ जाने से के बाद इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी वो मुराद है सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, और आपने इस आयत की तलावत की जो आयत अभी हमने आपके सामने पढ़ी है, तो सूरज मगरिब से निकल जाएगा तो उस वक्त के जो लोग हो गए वो तौबा करना शुरू कर देंगे, जैसे फिरौन ने तौबा कर लिया, अब ईमान लाता हूँ, ईमान लाता हूँ, मूसा के रब पर, हारून के रब पर, बनु इसराइल जिस पर ईमान रखते थे उस पर ईमान लाता हूँ मैं, उसकी तौबा अल्लाह ने कबूल नहीं की, ईमान कबूल नहीं किया। तो जब सूरज निकल जाएगा मगरिब से सब लोग ईमान लाना शुरू कर देंगे, सब कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उस वक्त उनकी तौबा उनका ईमान कबूल नहीं होगा। तो
ये एक वक्त है कि सूरज निकलने से पहले इंसान को तौबा करना है। छठी शर्त है एक, वो कौन सी शर्त है? अभी जिम्न में गुफ्तगू के जिम्न में बात आई है, हाँ नहीं, वो तो हो गया। हुकूकुल इबाद, बंदों से मुतालिक अगर ये अमल है, गुनाह है, बंदों का हक अगर आपने हमने खाया है, तो ये जो शर्तें गुजरी हैं काफ़ी नहीं है, ये इसके साथ साथ आपको जाकर के उस बंदे से माफ़ी भी मांगना है, उसके हक को वापस करना है। अगर वो नहीं है, उसके जो वारिस है उनको देना, अगर वारिस भी नहीं है तो उनके ख़ानदान को ढूंढना है। अगर कोई नहीं, पता ही नहीं किसी के बारे में, आपने किसी से कर्ज़ा ले लिया, नहीं दिया, बेचारा चला गया वो सऊदी अरब से चला गया वो, अब आप वो चाहिए कि उसके कर्ज को वापस करें। आपने तौबा कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक कर्ज को वापस नहीं करेंगे, आपकी तौबा नाकाबिले कबूल होगी। अब आप क्या करेंगे? ढूंढिए उस बंदे को, पता कीजिए, उसके इलाके के लोगों से नंबर लीजिए, पता कीजिए, नहीं मिल रहा है, उसके ख़ानदान के लोगों को, उसके वारिसिन को ढूंढिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। जितना आपने कर्जा लिया था उतना कर्जा उसके अर्ज और सवाब के नीयत से अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिए, अल्लाह ताला इसका सवाब उसको देना जिससे मैंने कर्ज लिया था। ये इतना हुकूकुल इबाद इतना आसान नहीं है जितना हमने आसान बना दिया है। जो लोग बंदों का हक खाते रहते हैं, नमाजों के पाबंद भी हैं, मुवहिद भी हैं, मुतबे सुन्नत भी हैं, बंदों का हक भी खा रहे हैं, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है, घर पर कब्ज़ा हो रहा है, लोगों से कर्जा ले लिया, उनका कर्जा अदा नहीं कर रहे हैं, क्या करेगा इंसान? जान थोड़ी ले लेगा, क्या करेगा इंसान? कुछ नहीं कर सकता है, इंसान मजबूर हो गया, कर्जा दे देने के बाद इंसान मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता बेचारा। ऐसा लगता है जो कर्ज जिसने लिया है वही बहादुर बन जाता है, वही सीना तान के चलता है, और बेचारा जिसको कर्ज लेना है वो जो है उसके पीछे पीछे चलता है, भाई दे दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी, मैं बहुत मजबूर हूँ, दे दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, बेचारा उसके पीछे पीछे चलता है, और जो कर्ज लेता है वो सीना तान के चलता है, उसको फिक्र ही नहीं होती किसी चीज़ की। ये सूरत हाल हमारे माशरे के अंदर है। जी हाँ, तो अगर हुकूकुल इबाद से मुतालिक है तो उसका हक भी आपको वापस करना है। जी हाँ, और एक हक ऐसा है हमारे दरमियान जिसमें सारे लोग जुल्म करते हैं, अक्सर लोग बेटियों का हक नहीं देते, वरासत नहीं, लेकिन हमारे माशरे में बहुत कम लोग हैं जो देते, उलमा भी नहीं देते, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। जी हाँ, नहीं देते हैं अपने जो है बेटियों को, बहनों का। और मैं तहदीस नेमत के तौर बता दूं आप लोगों को कि मैंने अपनी बहनों का हक दिया है। मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ कि ऐलान करने के लिए, चूँकि अगर कोई नेकी ऐसी हो या गुनाह आम हो जाए और कोई आदमी अगर करता है तो लोगों को रग़बत दिलाने के लिए बयान कर सकता, करना चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़ें। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह आजकल क्या है, बहुत रस्म व रिवाज है शादी ब्याह के अंदर, बहुत धूम धड़ाका, बहुत ज़्यादा यानी गलत चीज़ें की जाती हैं। एक इंसान सादगी के साथ करता शादी ब्याह को, उसे लोगों के दरमियान बयान करना चाहिए कि मैंने बड़ी सादगी के साथ किया है शादी। लोग कहते हैं नहीं, सादगी के साथ शादी हो ही नहीं सकती, जब तक जहेज नहीं दोगे शादी नहीं होगी। लोगों के दिमाग में ये धतूरा और ये गलती और ये सब बैठा हुआ है कि नहीं, जब तक जहेज नहीं दोगे रिश्ता ही नहीं मिलता, गलत है सारी चीज़ें, आप ढूंढिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपने अगर सादगी के साथ शादी की है, बग़ैर रस्म व रिवाज के, सुन्नत के मुताबिक, आप उसे लोगों के अंदर बयान कीजिए ताकि लोग अमल के लिए आगे बढ़ें। मकसद शोहरत नहीं होना चाहिए, मकसद रियाकारी नहीं होनी चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को रग़बत दिलाना की चीज़ हो सकती है। आज के माहौल में हमने किया है, हमने भी अपनी दो बेटियों की शादी बड़ी सादगी के साथ की, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, उलमा से की, वफात से की है, और हमने अपनी बहन को बाकायदा दिया है वरासत में। इसके गवाह हमारे शेख तमीम साहब, शेख तमीम साहब वरासत में माहिर है, मैं वरासत का मसला नहीं जानता हूँ, इसे मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं उनकी तरफ रेफ़र कर देता था कि शेख तमीम से पूछ लीजिए, या और उलमा उनका नंबर दे देता हूँ, उनसे आप लोग पूछ लीजिए। इल्ला अगर कोई आम मसला थोड़ा बहुत आने लगा, वरना पहले मुझे वरासत का मसला नहीं आता था, तो मैं लोगों से कहता था भाई फ़लाँ आलिम से पूछ लीजिए। मैंने बाकायदा उनसे पूरा हिस्सा करवाया, यही दवा सेंटर में थे हमारे शेख तमीम साहब, जानते ना आप लोग उनको, वो गवाह हैं इस बात के। मैंने पूरा हिस्सा बनाया और अपनी बहनों को जो हिस्सा मुझे, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने नहीं दिया था, हमारी अपनी बेटियों को हिस्सा, हमने अपने भाइयों से बात किया,
कि भाई बहनों का हक आ गया हमारे ऊपर, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बहन का हक दीजिए आप लोग, हमारे भाइयों ने नहीं दिया। हमने कहा मैं देने जा रहा हूँ, अगर आप लोग देंगे तो ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो क़यामत के दिन आप लोग इसके जवाब दे होंगे। बाकायदा मैंने हिस्सा करवाया, उसका कितना बनता पैसा पूरा मैंने ज़मीन ही हमको मिली थी। मेरी बहनों ने कहा कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन की कीमत वो पैसा दे दीजिए, वो ज़मीन की कीमत मैंने निकलवाई, और उस पर भी मैंने हर बहन को 5,000 रुपया और ज़्यादा दे दिया, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में ये हो कि भाई कुछ ज़मीन की कीमत कम लगी। सबको मैंने 5,000 जो उनका हक था उससे ज़्यादा दिया अपनी बहनों को। जी हाँ, तो ये मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ अमल कम है, वर्मा भी नहीं करते माम जो है हमारे मुल्कों के अंदर, इल्ला माशाल्लाह, बहुत अफसोस की बात है। आम तो नाज को आप छोड़ दीजिए, तो इसलिए अगर कोई इस पर अमल करता है उसे लोगों के सामने बयान करना चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ें। हमारे भी ने ऐलान किया चंदे का, साहबे कराम लाए, पूछा अबू बकर कितना लेकर के आए हो, उमर कितना लेकर के आओ, उस्मान कितना लेकर के आओ, सबसे आपने पूछा, किसने पूछा, रकबत दिलाने के लिए। मस्जिद की तामीर हो रही है, मदरसे की तामीर हो रही है, कोई आदमी लेकर के आता मैं 5,00,000 रुपया दे रहा हूँ, ऐलान करें मैं 5,00,000 रुपया दे रहा हूँ मस्जिद के अंदर, ये रियाकारी नहीं होगी, लोगों को रब्बत दिलाने के लिए होगी। हाँ, अगर उसकी नीयत रियाकारी की है तो अल्लाह ताला निपटेगा क़यामत के दिन उससे, देखिए क्योंकि नीयतों का इल्म अल्लाह ताला जानता है। हमारा काम है कि लोगों को रब्बत दिलाना, तो आप लोग इस पर अमल कीजिए, क़यामत के दिन पूछे जाएंगे ये बहन का हक है, अगर नहीं देंगे जालिम हम होंगे, बाप ने नहीं दिया अल्लाह बाप से पूछेगा, अब हमारे पास आ गया बहन का हिस्सा, हम नहीं देंगे तो हमसे भी अल्लाह ताला पूछेगा, हम जालिम ठहराएंगे, अल्लाह ताला के यहाँ होंगे। तो बहन की बड़ी मदद करते हैं, बहन का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसका हक नहीं देते, है कि नहीं। कोई तिरछी नज़र से बहन को नहीं देख सकता, बेटी को नहीं देख सकता, लेकिन हक उसका मारे भी है। कितने ऐसे लोग हमारे मुल्कों के अंदर खूब चंदे देते हैं, ज़कात देते हैं, बहन का हक मार करके रखा, खूब ज़कात दे, लाइन लगी रहती है सेठ साहब के यहाँ, ये सब जो है सबको ज़कात दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, अपनी बहन का हक नहीं दे रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है मेरे भाई, बहन का हक है, ये जुल्म है। तो अगर हुकूकुल इबाद है तो जब तक माफ़ ना करवा लेंगे माफ़ नहीं होगा, अल्लाह बंदों का हक नहीं माफ़ करेगा, अल्लाह ताला अपना हक माफ़ करेगा। नमाज नहीं पढ़ते आप, या और कोई गुनाह कर लिया आपने, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, माफ़ करना चाहे माफ़ कर दे, नहीं माफ़ करना चाहेगा नहीं माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप बंदों का हक आए हुए हैं तो बंदा जब माफ़ करेगा तभी माफ़ होगा, और क़यामत के दिन कैसे माफ़ होगा, हमारी नेकियाँ देनी पड़ेगी उसको, जब नेकियाँ कब पड़ जाए उसका गुनाह हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि वहाँ दरवाज़ा बंद हो गया नेकी करने का, वहाँ पैसा नहीं होगा, रियाल दीनार नहीं होगा वहाँ पर, अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत में कि रियाल की आप जो लेकर जाएंगे, ATM कार्ड लेकर के जाएंगे, आपके पास बैंक बैलेंस होगा कि भाई ले लो भाई, आपका 10,00,000 मिल लिया था, ये 10,00,000 रुपया देता, नहीं, वहाँ सब पैसे उसे नहीं होंगे, वहाँ जो आपके हमारे पास नेकियाँ होंगी वही नेकियाँ उनको देनी पड़ेगी, और जब नेकियाँ कम पड़ जाएंगी तो उसका गुनाह हमारे ऊपर लाद दिया जाएगा, ये क़यामत के दिन ये मामला किया जाएगा। इसे दुनिया में अगर कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ी तलाफ़ी कर लें दुनिया के अंदर, हर एक इंसान से गलती हो जाती है, हर एक इंसान गुनाह कर लेता है, दुनिया में अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, भी हयात बाकी है, उससे निपट लीजिए, क़यामत के दिन कुछ नहीं हो पाएगा आपको, ये सारी नेकियाँ जो करेंगे दुनिया के अंदर जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो सारी नेकियाँ उस शख्स को दे दी जाएंगी जिसका हक आपने खा रखा है, और जब नेकियाँ कम पड़ जाएंगी उसका गुनाह आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। जी हाँ, मामूली नहीं होगा क़यामत के दिन बदला लेना देना, बहुत मुश्किल होगा, वो दिन आने वाला है। तो ये हदीस हमें हमारी तरबियत के लिए बड़ी प्यारी हदीस है कि इंसान को अल्लाह से तौबा करना चाहिए, गुनाहों की मफ़रत मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला चाहता है ऐसे बंदों से, खुश होता है जो बंदे जो है तौबा करते हैं, ऐसे बंदों से अल्लाहबीन वहीबुलमतरीन, अल्लाह तौबा करने वाले पाक साफ रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह की पसंद है ये, जब अल्लाह ताला की पसंद है तो अल्लाह ताला की पसंद पर अमल करना चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरी बीवी हमारी पसंद का खाना बनाए, बिरयानी हमको पसंद है, बिरयानी बनवाते हैं, लेकिन नहीं, फला खाना हमको पसंद है, हलीम पसंद है, फला चीज़ हमको पसंद है, फला कपड़ा हमको पसंद है, फला खुशबू हमको पसंद है, तो आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का हो तो अल्लाह ताला भी चाहता है कि उसकी पसंद का भी हम करें, अल्लाह की पसंद है तो अल्लाह कबूल करता है, इसको माफ़ करता है, अल्लाह ताला जो है ये खुश होता है, तो इसलिए हमको तौबा करना चाहिए। अल्लाह ने हमको दिया टाइम, वक्त दिया, हम तौबा करें, ये ना समझें कि हमारे पास गुनाह नहीं है। दिन में कितना गुनाह हो जाता है, इंसान अगर एक दफ्तर रखे, दाएं तरफ नेकियां रखे, बाएं तरफ गुनाह रखे, लिखे, देखिए शाम में सोने से पहले कितना गुनाह उसके दफ्तर में आ गए हैं,
वो दफ्तर स्याह हो जाएगा जिसमें गुनाह लिखेंगे, और जिस पेज पर आप नेकियां लिखेंगे वो ज़्यादा नहीं पहुँचे पहुँचेगा। जी हाँ, हर इंसान से गुनाह हो जाता, इसलिए अब इंसान हिसाब नहीं करता, काउंट नहीं करता, इसलिए उसको पता नहीं चलता। काउंट करे इंसान तब समझ में आएगा दिल का गुनाह कितना किया, जबान का कितना किया, आँख का कितना किया, मोबाइल पर कितना हमने देखा, है कि नहीं है। अब तो मोबाइल बता देता है कि आपने कितना वक्त निकाला मोबाइल पे, बताता कि नहीं बताता है? आप जो है देख सकते हैं कि आपने कितना वक्त लगाया, नमाज में कितना आपने लगाया, कुरान की तिलावत में कितना वक्त आपने लगाया, है कि नहीं। जिक्र अज़कार में कितना वक्त आपने लगाया, कुरान पढ़ने में, मुताला करने में कितना वक्त लगाया आपने, लेकिन मोबाइल देखने में कितना वक्त आपने लगाया। आदमी 10-10 घंटा 12-12 घंटा मोबाइल में रहता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग हमाम में लेके जाते हैं, हमाम ही बात करते रहते, हमाम मोबाइल देखते रहते हैं, सलाम फेरा कोई जिक्र अज़कार नहीं, मोबाइल के अंदर लगे टकाटक टकाटक, ये टकाटक सब टकाटक दर्ज हो रहा है अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हमारे कंधों के ऊपर, सब दर्ज हो रहा है। जी हाँ, ये मामूली ना समझे मेरे भाइयों, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने मोहलत दी है, हमारे पास वक्त है, अल्लाह हम तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, और अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देता है तौबा से। तौबा दो तरह की होती है, उलमा ने बयान किया, एक तौबा मुतलक, एक इंसान अगर मुतलक तौबा करता है तमाम गुनाहों से तो ये भी तौबा होती है, और एक तौबा मुकय्यद है, एक इंसान कई गुनाह करता है तमाम गुनाहों से नहीं तौबा करता, चंद गुनाहों से तौबा करता है, रिश्वत लेता, रिश्वत से तौबा किया, झूठ से तौबा नहीं किया। तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अगर आपने रिश्वत से तौबा कर लिया है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, झूठ से नहीं किया तो ऐसा नहीं कि तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे तभी अल्लाह माफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला मोहलत देता है, चंद गुनाहों से आपने तौबा किया, तौबा मुकय्यद नहीं है, अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ कर देगा। आम तौबा आपने किया है तमाम गुनाहों से, अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर है कि आपने हर गुनाह से तौबा कर लिया, लेकिन अगर ईमान की कमी है, कमजोरी है, शैतान गालिब है, शहवत गालिब है, इंसान नहीं कर पाता है, तो जिन गुनाह से करना चाहते हैं उन गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ कर देगा, और अगर दोबारा हो जाए फिर तौबा कर लीजिए, जितनी बार गुनाह हो उतनी बार तौबा कर लीजिए। तौबा का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में आपसे गुनाह ही नहीं होगा, हो सकता है बाद में गुनाह हो जाए, तो अल्लाह रहमान है, रहीम, बहुत माफ़ करने वाला, बहुत रहमदिल अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको तौबा करना चाहिए, तो अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक दे। हदीस में जो ख़ास बात बताई गई है जिसके लिए मुसलिम ने हदीस को पेश किया, वो अल्लाह ताला के लिए सिफत फरह की, फरह की सिफत, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह खुश होते हैं, सिफत कमाल है, ठीक है, और हर कमाल की सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जब अल्लाह खुश होता है तौबा से, तो हमको तौबा करना चाहिए, लेकिन कैफियत कैसी है, कैफियत के बारे में इल्म नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अकीदे का इल्म दे, आमीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।